वेलकम बैक। मैथमेटिकल फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। तो आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। देखो, ये सारे एमसीक्यूज आपके चले थे टेलीग्राम पे, तो आपने वहाँ पे भी किया होगा इसको। बट अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो, देन आई सजेस्ट कि आप इसको खुद से ट्राई करो। डेफिनेटली आपसे बनेगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन क्या है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन विच मेक्स 30 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल। अनदर प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट्स विद दी सेम इनिशियल स्पीड फ्रॉम द सेम पॉइंट बट इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। कवर्स द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एज द फर्स्ट वन। देन व्हाट इज H1 रेशियो H2 वेयर H1 एंड H2 आर द मैक्सिमम हाइट टू विच द फर्स्ट एंड द सेकेंड प्रोजेक्टाइल रेज। ओके, तो सिंपली आप देखोगे यहाँ पे तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं किसी प्लेन की बात करूं, राइट, मान लो कि मेरा ये कोई प्लेन है, तो इस प्लेन पे अगर मैं दो तरह के प्रोजेक्टाइल की बात करता हूं, एक मान लो मेरा ये प्रोजेक्टाइल है, ओके, और एक मेरा ये प्रोजेक्टाइल है, तो दोनों प्रोजेक्टाइल आप देखोगे मैंने ऐसा लिया है कि दोनों का रेंज क्या है, एक ही है, मतलब आर है, ओके। एक का एंगल सपोज करता हूँ θ1 है और एक का एंगल जो है वो क्या है, θ2 है, ओके। तो दो तरह का प्रोजेक्टाइल हो गया, θ1 θ2। इनिशियल वेलोसिटी दोनों का सेम है, सो u1 और u1 दोनों को ले लेते हैं। और u1 आपको दिया हुआ है कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, और θ1 आपको दिया हुआ है कितना है, 30 डिग्री। रेंज दोनों का बिल्कुल सेम है, तो H1 और H2 का रेशियो निकालना है, तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। आप जो है पहले रेंज का यूज़ कर लो। रेंज का फार्मूला क्या होता है, तो सारे फार्मूलाज को मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में दे दिया था, आई होप आपने वहाँ से देखा होगा, ठीक है। तो रेंज देखो काफ़ी सिंपल होता है, क्या होता है, ये होता है आपका u² sin 2θ/g, ये होता है जी। अब दोनों का रेंज चूंकि सेम है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, u² sin 1θ1/g इज इक्वल टू u² sin 2θ2/g, ऐसा ले लेते हैं, राइट। अभी आपका बिल्कुल सेम है तो कैंसिल होगा, g भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि क्या आ जा रहा है, sin 2θ1 इज इक्वल टू आ जा रहा है आपका sin 2θ2। एक तो हम लोग अगर देखें कि दोनों तरफ चूँकि साइन है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि θ1 और θ2 इक्वल होगा, ठीक है। बट चूँकि डिफरेंट एंगल लिखा हुआ है, आपको लिखता है क्या कि डिफरेंट डायरेक्शन से फेंका गया है, इसका मतलब है कि ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तो या तो ये हो सकता है कि जो 2θ1 है वो इज इक्वल टू क्या हो जाए, वो इज इक्वल टू हो π-2θ2, राइट। ये देखो मैं जनरल फार्मूला लगा रहा हूँ ट्राइगोनोमेट्री का, तभी हम लोग पूरा यहाँ पे जनरल फार्मूला का काम नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली क्या होगा कि बहुत ज़्यादा क्वाड्रेंट का फ़र्क नहीं आएगा यहाँ पे। तो हम लोग ये जानते हैं ना कि क्या होता है, sin π-θ इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू sin θ होता है। तो मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे sin π-θ sin θ को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2θ1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका π-2θ2, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि θ1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/2-θ2, ये आ जाएगा जी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर एक एंगल आपका क्या है, 30 डिग्री है, ठीक है, अगर θ1 क्या है, 30 डिग्री है, डेफिनेटली θ2 क्या होगा, तो θ2 हो जाएगा आपका π/2-30 डिग्री, यानी आपका क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, और ये एक रिजल्ट भी है कि अगर सेम रेंज रहता है, ओके, और सेम इनिशियल वेलोसिटी है, तो उस केस में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल पे होते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और ऐसे आपको रिजल्ट भी आपको दिख गया, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो θ1 भी पता चल गया, θ2 भी पता चल गया, तो अब आपको हाइट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत आसानी से हाइट निकाल पाओगे। देखो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो हाइट का फार्मूला क्या होता है, तो हाइट का फार्मूला भी मैंने आपको बताया हुआ था, हम लोग का हाइट का फार्मूला होता है, जैसे H1 में अगर निकालूँ फॉर फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, तो होता है क्या, u² sin²θ/2g, ये होता है। तो फिर इसी तरीके से H2 अगर निकालें, तो ये क्या हो जाएगा, वाई इसको θ1 ले लेते हैं, sin²θ/2g, ये होगा। तो अगर आप H1 और H2 का अगर आप रेशियो निकालते हो, तो सब कुछ आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका सिंपली आ जाएगा sin²θ1/sin²θ2, राइट। यानी आप कह सकते हो क्या आ रहा है, आपका आ जाएगा sin 30° का² / sin 60° का²। अब sin 30° क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और sin 60 क्या होता है, तो ये आपका
रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो वैल्यू आ जाएगा आपका 1/4, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 3/4 से। सो 1/4 डिवाइडेड बाई 3/4, तो 4/4 आपका कैंसिल हो गया। सो फाइनली जो आंसर है वो 1:4 आएगा, सॉरी 1:3 आएगा, 1:3। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से बनाना है, कोई मुश्किल नहीं है, आप इस तरीके से बनाओगे, सिर्फ फार्मूला बेस्ड है, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं होगा आपको, आप इसको ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 64 मीटर, राइट, देन द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई द प्रोजेक्टाइल इज। ओके, तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको मैक्सिमम रेंज दिया हुआ है, जबकि मैंने आपको मैक्सिमम रेंज के बारे में भी बताया था, और आप देख भी सकते हो। जैसे रेंज होता क्या है, रेंज होता है हमारा यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी होता है, यही होता है, राइट। अगर रेंज आपको मैक्सिमम चाहिए तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको लेना पड़ेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है रेंज का, तो मैंने आपको बताया था कि रेंज का मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, सिंस साइन टू थीटा इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है 1। तो अगर मैं इसको मैक्सिमम ले लूँ तो मेरा रेंज क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। सो रेंज मैक्सिमम इज इक्वल टू सिंपली यू स्क्वायर बाई जी। तो यू स्क्वायर बाई जी हमारा क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। ओके, अभी आपको दे रखा है 64 मीटर, तो आपसे पूछता है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो हाइट देखो, हाइट क्या होता है, हाइट होता है यू स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। अब हो गया, अब h मेरा मैक्सिमम कब होगा, h इज़ मैक्सिमम कब होगा, वेन, जब मैं थीटा कितना लूँगा, ठीक है। तो देखो डेफिनेटली यहाँ पे जैसे हम लोग ये देखें कि जब मेरा रेंज मैक्सिमम था तो साइन टू थीटा क्या था, 1 था। तो साइन टू थीटा 1 था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि साइन टू थीटा आपका साइन 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ओके, तो 2 थीटा 90 डिग्री, यानी आपका थीटा क्या होना चाहिए, 45 डिग्री। तो थीटा 45 डिग्री पे हमको क्या मिलता है, रेंज मैक्सिमम मिलता है। आप बोल सकते हैं आर, यानी रेंज क्या होता है आपका, मैक्सिमम होता है कब होता है, वेन थीटा इज 45 डिग्री। तो हमको यहाँ पे जो थीटा लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा, 45 डिग्री, राइट। तो अब आप देखो, तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा, h का वैल्यू आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, और साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू 64 है, तो इसको आप पुटअप कर दो यहाँ पे, तो 64 डिवाइडेड बाई 2 √2 का स्क्वायर अगेन 2। सो यहाँ पे आपका नीचे 4 बन जा रहा है, तो 16 आ जाएगा आपका, ठीक है, 16 × 64। सो 16 मीटर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको इस तरीके से बनाना है, आई होप आप लोगों ने ऐसे ही बनाया होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बोलता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल द मैक्सिमम हाइट अटेंड। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, वो डबल है मैक्सिमम हाइट अटेंड का, यानी क्या, यानी आपको बोल रहा है, बात अच्छे समझो, आपको बोलता है कि जो आर है वो क्या है, वो 2 × h है, राइट। ओके, तो बोलता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी होता है, और हाइट क्या होता है, तो ये होता है हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, जहाँ थीटा मेरा क्या है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और यू मेरा क्या है इनिशियल वेलोसिटी। तो आप देखो यहाँ पे यू स्क्वायर कैंसिल होगा, 2 भी कैंसिल होगा, g भी कैंसिल हो जाएगा। सिंपली आप साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है 2 sin θ cos θ इज इक्वल टू व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम लोग साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं, सो वी हैव 2 cos θ माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। अब साइन थीटा को अगर 0 करते हैं तो थीटा 0 हो तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 2। सो फाइनली थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स 2। सिंपली आपको थीटा का वैल्यू निकालना था, तो आई होप आपको इसमें मुश्किल नहीं हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर देख लो क्या है यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छे उसको बढ़िया से देखोगे तो मज़ा आएगा बनाने में। क्या है, आप देख सकते हो ना यहाँ पे कि आपको इनिशियल वेलोसिटी विथ विच ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड इज 10 m/s फ्रॉम द बेस ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर। इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 degrees विद द हॉरिजॉन्टल, देन रेंज आर इज, ठीक है। तो देखो आपको ना यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो इस इंक्लाइन प्लेन पे है, जो 30 degrees का एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ में। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी किया होगा, तो यहाँ पे आपको अगर इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है तो आपसे ये डिमांड करता है कि आप ये बताइए कि यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है,
रेंज पूछ रहा है, ठीक है, कि रेंज आर क्या होगा। ओके देखो बहुत मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसानी से बनेगा ये, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इसको हम लोग किस तरह से डील करेंगे। तो देखिए इस केस में एक्चुअली आपको समझना ये होगा कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्राविटी होता है, राइट जी। लेकिन इस केस में जब हम लोग एक इंक्लाइन प्लेन में इसको लेके चलेंगे तो मेरा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्राविटी है उसका भी दो कंपोनेंट हमको मिलता है, एक मिलेगा जी कॉस थीटा नॉट एंड एक मिलेगा आपको जी साइन थीटा नॉट। एग्जैक्टली अगर ये आपका एंगल कितना है, थीटा नॉट है, राइट। अब ये थीटा नॉट जो है ये आपको वैल्यू गिवेन है कि ये आपका कितना है, ये आपका है 30 डिग्री। तो इसको मैंने अल्फ़ा ले लिया, तो अगर ये अल्फ़ा है, बात समझिएगा, तो ये जो कंपोनेंट है मेरा, इसको मैं अगर एक्स एक्सिस लेता हूँ, ओके, तो इधर मेरा जो इनिशियल वेलोसिटी यू है उसका कंपोनेंट क्या होगा, उसका होगा यू एक्स यानी यू कॉस अल्फ़ा, राइट, और इधर वाला आपका हो जाएगा यू वाई यानी यू साइन अल्फ़ा। ओके तो अब आपको ये देखना है कि अब आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो इस इंक्लाइन प्लेन पे है, तो जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो वो तो पहले ही जैसा होगा, लेकिन आपको वहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि अब वहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्राविटी का दोनों कंपोनेंट काम करेगा, एक आपका ये वर्टिकल है जी कॉस थीटा नॉट और एक आपका हॉरिजॉन्टल जी साइन थीटा नॉट। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट था हमारा, इन जनरल जो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो क्या होता है, तो वो होता है टू यू साइन थीटा, सी थीटा यहाँ पे आपका अल्फ़ा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, राइट, डिवाइडेड बाई जी। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो जी है ना, तो ये जी हमेशा क्या है, उस प्रोजेक्टाइल जो आपका सिंपल प्रोजेक्टाइल है उसमें आपका वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए अप्लाई होता है। तो इस इंक्लाइन प्लेन में ये क्या होगा, ये जी कॉस थीटा नॉट होगा। सो जी के प्लेस पे आपको क्या डालना है, जी कॉस थीटा नॉट, राइट। यहाँ पे देखिए ये जो हमको यहाँ पे अल्फ़ा कितना लेना होगा, ठीक है, देखिए चूँकि आपको जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है वो दिया है 60 डिग्री विद द हॉरिजन, आप पढ़िएगा, तो हॉरिजन आपका ये है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, तो इस लाइन से टोटल एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो अगर ये मान लो मेरा 30 है नीचे वाला थीटा नॉट, तो अल्फ़ा भी क्या बचेगा, 30। तो यहाँ पे मैं अल्फ़ा को 30 लूँगा और थीटा नॉट को भी मैं क्या लूँगा, 30 डिग्री। तो साइन 30 1/2 और कॉस 30 आपका 1/√2, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो सी टी आ जाएगा आपका 2 × u। यू कितना है जी, यू है मेरा 10, साइन अल्फ़ा साइन 30 डिग्री 1/2 और डिवाइडेड बाई जी कॉस 30 डिग्री 3/2। तो यहाँ पे आप देखोगे ये 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, राइट। अच्छा जी भी आपको 10 लेने के लिए बोला है, तो जी के प्लस पे भी मैं 10 रख देता हूँ, ठीक है, तो जी भी हमारा हो जाएगा 10, सो इट इज़ अगेन 10 भी कैंसिल होगा, तो टी मेरा 2/√3 सेकेंड आ जा रहा है। ओके अब देखो इस टाइम में, चूँकि ये क्या हो गया आपका, ये जो है मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, कि पूरा कितना टाइम लगता है यहाँ से यहाँ आने में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में जो एक्स एक्सिस के अलोंग में डिस्टेंस कवर होगा वही मेरा क्या होगा, रेंज होगा। तो रेंज क्या होता है, तो सिंपली रेंज होता है आपका इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड राइट अलोंग एक्स एक्सिस, चूँकि मेरा देखो एक्स एक्सिस यहाँ पे ये माना हुआ है, ठीक है ना, इन टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके तो अब सिंपली आप क्या करो, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मेरा रेंज आएगा वो आ जाएगा यू राइट टी माइनस 1/2, चूँकि ए मेरा क्या होगा, तो ए मेरा होगा ये देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जी साइन थीटा नॉट जो कि अगेंस्ट द डायरेक्शन है, तो माइनस में लेंगे जी साइन थीटा नॉट और साथ में यही मेरा टी का स्क्वायर जो मेरा टी का वैल्यू आया था। अब कुछ करना नहीं है, ये वैल्यू आपको पुटअप कर देना है, ठीक है, पुटअप कर दो आपका काम हो जाएगा और आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्या वैल्यू आएगा, देख लीजिए। सो आर इज इक्वल टू यू मेरा टी है, टी मेरा कितना आया 2/√3 माइनस 1/2, जी को 10 लेना है, साइन थीटा नॉट साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू टी स्क्वायर, दैट मीन्स 2/√3 का होल स्क्वायर। ओके अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, क्या आ जाएगा, राइट ओके अच्छा यहाँ पे एक चीज़ हुआ कि यू जो है मेरे को यू क्या लेना है, तो यू भी तो मेरा ये यू एक्स होगा ना, ध्यान दीजिए, तो यू को यू एक्स लिख दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यू एक्स, चूँकि एक्स एक्सिस के ही एलोंग का आपको वेलोसिटी लेना है, तो यहाँ पे यू एक्स तो होना ही चाहिए। तो यू एक्स क्या हो जाएगा, तो यू एक्स हो जाएगा आपका यू कॉस अल्फ़ा, राइट। तो यू कॉस अल्फ़ा का मतलब क्या है कि यू कॉस 30 डिग्री यानी आपका यू इंटू √3/2 ये आपको लेना है।
तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा सा आपका चेंज होगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा टेन रूट थ्री बाई टू, ये यू एक्स का वैल्यू हो गया, और टी मेरा क्या है, टी मेरा टू बाई रूट थ्री है, तो सो ये आपका कैंसिल होगा। तो फाइनली आपको यहाँ पे सिर्फ टेन बचता है माइनस, यहाँ पे आप देखोगे तो राइट आपका क्या बचेगा जी, टेन है यहाँ पे, वन बाई टू वन बाई टू वन बाई फोर, फोर फोर आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कट कर दो, तो आपका टेन बाई थ्री बचता है, जो कि रूट थ्री का स्क्वायर आप हटा दोगे, ठीक है, एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा 20/3 मीटर। तो यही आपका रेंज जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमको कि आपको कौन कौन सा ऑप्शन दिया था, तो 20/3, 20/3 ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से बनाना है, फार्मूला बेस्ड है, बट थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेटली एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता रहता है, तो आपको कुछ करना नहीं है, आप जैसे करते थे वैसे ही करना, बस जब आपका इस तरह का इंक्लाइन प्लेन होगा तो उसमें आपका जो जी का कंपोनेंट है वो कैसे यूज़ करना है वो आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल, तो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी सारा इस तरह का फ्री वीडियो है जो आपको काफ़ी हेल्प करता है। और अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो, लाइक आप पीजीटी झारखंड की तैयारी कर रहे हो, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मेरा कोर्स बाय कर लो, उस पूरा कोर्स लगा हुआ है मेरे एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लो, और वहाँ पे पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स के साथ में पूरा पीजीटी जो स्पेशली झारखंड का है वो मैंने लगा के रखा हुआ है, बहुत सिस्टमेटिक लर्निंग कर पाओगे, पीडीएफ है, लॉट ऑफ एमसीक्यूज हैं, आप मुझसे डाउट पूछ पाओगे, तो काफ़ी मज़ा आएगा, अच्छा अगर आप करना चाहते हो तो आप उसको जरूर बाय कर लो, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।